सेकेंड एक्सरसाइज दैट इज 19B. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर आप कह रहे थे 19 आज खत्म हो गए, पर इसके तो दो एक्सरसाइज हैं। फिर क्या हो गया, फटाफट देखते रहे. अभी क्या इसमें है इसमें, देख अभी देख. फर्स्ट सम, पहले तो मीडियन के फॉर्मूलास बच्चे मैं फिर से बता रहा हूं. अभी मीडियन सबसे पहले उसको चेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू बिगर. उसके बाद मीडियन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एंड इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए. फॉर्मूला है एन प्लस वन अपॉन टूथ टर्म, और इवन के लिए बच्चे एन अपॉन टूथ टर्म प्लस एन अपॉन टू प्लस वन टर्म डिवाइडेड बाय टू. याद रहेगा बच्चे ये? सर, यस सर, जोया, यस वंशिका, वंशिका याद रहेगा बच्चे ये? नो. चलो अब फर्स्ट सम का बच्चे फर्स्ट पार्ट. जो डाटा गिवन है हमें, मैंने सबसे पहले वो लिख दिया 26, 16, 32, 31, 19, 28 एंड 35. इसको बच्चे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलर वैल्यू, वंशिका यस सर, सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है इसमें? सिक्सटीन. यहां पे यस लिख के इन असेंडिंग ऑर्डर, सिक्सटीन टू टाइम है तो टू टाइम लिखेंगे. सिक्सटीन से बिगर नाइनटीन ओनली नाइनटीन. वन टाइम. उसके बाद जोया, 19 के बाद सो आफ्टर 19 वी आर गोना राइट 25. 25 वन टाइम ही है, फिर यस 26 सर, है, फिर 28 है, 31 इवन 31, 32 एंड 35. 35. काउंट कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हम करेक्ट हैं, 9 असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया बच्चे, टर्म्स को लिख लिया. नाउ मीडियन का बच्चे फॉर्मूला, एन प्लस वन अपॉन टू टर्म. एन एन की वैल्यू अंकित. हाँ एक्सक्यूज मी सर, जी बच्चे, सर ये वाला फॉर्मूला तो हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए यूज करते हैं ना. ओके, ऑड ऑड ऑड, सॉरी सर. ऑड के लिए बच्चे एंड इवन के लिए. ऑड के लिए 9, एन की वैल्यू 9 हमने काउंट की थी ना, नंबर ऑफ टर्म्स दैट आर 9 प्लस 1 अपॉन टू टर्म, 10 अपॉन टू टर्म दैट इज फिफ्थ. फिफ्थ टर्म है बच्चे, फिफ्थ टर्म काउंट करो, 1 2 3 4 5. 26. तो मीडियन यहां पे लिख के मीडियन इज इक्वल टू 26 इज द आंसर. कुछ था इस समय? नो सर, नथिंग. नो सर, अब एक इवन वाला करूंगा, देखो किसमें इवन टर्म्स हैं. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 थर्ड पार्ट असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले टर्म्स हैं जो वो लिख दी बच्चे. सिक्सटी थ्री, 17, 50, 9, 25, 43, 21, 50, 14 एंड 34. शौर्या लिखवाओ बच्चे मुझे असेंडिंग ऑर्डर में. सर 9. सर 14. हाँ जी, 17. यस, 21. 21, 25. यस, 20. सर 35, 34. यस,
फिफ्टी सर मेरे ख्याल से दो टाइम्स है, ख्याल से नहीं है, दो टाइम ही है, टू टाइम ही है. एंड लास्ट 63 यस सर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों की तरह बच्चे इसको काउंट कर लो. एक मिनट से कॉल आ रही है. हेलो, बाद में कॉल करता हूँ बच्चे, मैं क्लास लग रही है. ओके, ये आ गए बच्चे मीडियन. यस सर. सबसे पहले फॉर्मूला बच्चे, एन अपॉन टू टर्म, टी एच डाल देना ऊपर पावर में, एन अपॉन टू प्लस वन डिवाइडेड बाय टू. इसके आगे इक्वल कर रहा हूँ. एन की वैल्यू अंकित कितनी है यहाँ पे? सर 10. 10 अपॉन टू सीधा फिफ्थ लिख दूं बच्चे में? यस सर. यस सर. 10 अपॉन टू 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 2 यही आएगा बच्चे? यस सर. यस सर. सर आपने सर ये सर 6 के बाद 6 अपॉन 2 होना था ना इधर? 6 अपॉन 2 क्यों होना था बच्चे? n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू बताओ बच्चे. सर ये नहीं सर, 5 प्लस n की वैल्यू सर 5 और ये प्लस 1 6 अपॉन 2. n की वैल्यू बताओ महक. क्या पूछा है मैंने? n की वैल्यू पूछी है सिर्फ. n की वैल्यू कितनी है? 10 अपॉन 2. यस सर. 10 अपॉन 2 बोलो. यस सर. 10 अपॉन 2 कितना होता है सर? 2 5 सर. 10 अपॉन 2 कितना होता है सर? 5. 5 लिखा है प्लस साइन. प्लस साइन एन की वैल्यू 10 ही रहेगी क्या? 5 चेंज हो जाएगी सर? 10. 10 अपॉन 2. यस सर. 5 प्लस 1 6. यस सर. समझ आ गई सर? आपने डायरेक्ट लिख दिया था. हाँ वो तो मैं बोला ही है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ. यस सर. 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म इज दिस वन, सिक्स्थ टर्म इज दिस वन, दोनों का सम. हाँ जी सर, मुझे एक कंफ्यूजन है कि इससे ऑड इसके अंदर जो फर्स्ट एंड सेकंड है उसके अंदर जो हमने डिजिट्स दिए हैं वो इवन भी है ऑड भी है. तो नंबर ऑफ टर्म्स बोला है बच्चे. नंबर ऑफ टर्म्स वैल्यू चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, काउंट करो कितने टर्म्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है बच्चे. इवन सर? इवन सर. अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो फिर ऑड का फॉर्मूला लगेगा, मतलब वैल्यूज मैटर नहीं करती हैं ये जो है ना. वैल्यूज मैटर नहीं करती बच्चे. वैल्यू चाहे इवन हो चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे डेसिमल में हो, कुछ भी हो सकता है. ओके सर, थैंक यू. बस यही कंफ्यूजन थी कि मतलब जो साइड डिजिट्स है ना तो वो ऑड भी है इवन भी है. हाँ जी ठीक है. यस सर. थैंक यू सर. दिस इज आंसर बच्चे. यस सर. नाउ सेकंड सम. The following data have been arranged in ascending order. Ascending order में already arranged है. 34, 37, 53, 55, x, x plus 2, 77, 83, 89, and 100. Find x. मीडियन हमें गिवन है. सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स जोया कितनी है? यस सर. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चे यहाँ पे? सर ये 10 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ मैंने 10 लिख दिया. 10 इज इवन और ऑड राशि? राशि. यस सर. 10 is even or odd? Sir, 10 is even. Even. Median हमें given है. Question में लिखा हुआ है, देखो median is given 63. Median का formula इप्सिता.
यस सर। सर एन अपॉन टू, सर एन अपॉन टू प्लस एन अपॉन टू प्लस वन, एन अपॉन टू प्लस वन डिवाइडेड बाय टू टू इज इक्वल टू 63। एन अपॉन टू बच्चे 10 टर्म्स है ना, यहाँ पे चलो मैं पूरी डिटेल में कर देता हूँ। 10 अपॉन टू टर्म प्लस 10 अपॉन टू प्लस वन टर्म डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू 63। निहाल 10 अपॉन टू, यस सर। 10 अपॉन टू फाइव फिफ्थ, यस। यहाँ कट हो गया ना बच्चे, फाइव आ गया। यहाँ पे भी कट हो सकता है क्योंकि सिर्फ 10 के नीचे है, प्लस सिक्स टू जो है नीचे वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 126 बन जाएगा। टू थ्री जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व। फिफ्थ टर्म कौन सी है यहाँ पे बच्चे, वन टू थ्री फोर फाइव, मैंने सर्कल कर दी फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म के प्लेस पे उसकी वैल्यू लिख दी एक्स। सिक्स टर्म एक्स प्लस टू, x plus 2 is 126, x plus x 2x, 2 बच्चे इस साइड जाके माइनस हो इधर से, मैं नहीं बताऊंगा, पहले सो जाती है। देखो बच्चे हमें असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, हमने नंबर्स ऑफ टर्म्स काउंट की 10 आ गई, दैट आर इवन। उसके बाद मीडियन गिवन है 63, मीडियन के प्लेस पे मीडियन का फॉर्मूला लगा दिया, अपॉन 2 इज इक्वल टू 63। एन की वैल्यू 10 है बच्चे, 10 अपॉन 2, एन की प्लेस पे उसकी वैल्यू फिल की, कटिंग की, फिफ्थ एंड सिक्स टर्म आ गई। 2 जो नीचे था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई एज लाइक 2 को 63 से करेंगे 126। अब फिफ्थ टर्म बच्चे यहाँ पे काउंट करो कौन सी है, 1 2 3 4 5 सर्कल कर दी, सिक्स टर्म सर्कल कर दी। फिफ्थ टर्म के प्लेस पे फिफ्थ टर्म की वैल्यू एक्स, सिक्स टर्म के प्लेस पे सिक्स टर्म की वैल्यू एक्स प्लस टू, 126। उसको सॉल्व किया एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, समझ गए। थर्ड सम, इंट मीडियन का मीनिंग क्या होता है पता है किसी को? मुझे पता सर, बीच वाली टर्म। सर मीडियन इज द वैल्यू ऑफ इट्स मिडिल टर्म, मिडल मोस्ट टर्म, यस। ठीक है, अभी थर्ड सम में इन 10 नंबर्स टोटल नंबर्स कितने हैं, 10 अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दिए हैं। सेवंथ नंबर इज इंक्रीज बाय 8, हाउ मच विल द मीडियन बी चेंज। अब जब बच्चे टोटल टर्म्स 10 है तो मिडल टर्म कौन सी होगी, फिफ्थ एंड सिक्स के बीच में, यस सर। सेवन टर्म से सेवन टर्म इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं? नो सर, नो सर, बस देयर इज नो चेंज, बस ये आंसर है। नो चेंज इन द मीडियन, इन द वैल्यू ऑफ मीडियन व्हेन सेवन नंबर इज इंक्रीज्ड, सेवंथ नंबर इज इंक्रीज, बस ऐसे आंसर लिखना है बच्चे हमने। हो गया थर्ड सम में सर। हाँ जी बच्चे सर, इसके अंदर, इसके अंदर बोला सेवन टर्म इंक्रीज हुई है एट टाइम, मतलब उसके अंदर चेंज नहीं होगा एट। बच्चे मैंने क्या बोला है कि टोटल टर्म्स कितनी है, 10 है ना, मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट टर्म, यस सर। 10 टर्म्स हैं तो मीडियन देखो, जैसे मान लो यही था, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म है ना, 10 टर्म्स ही थी ना, यस सर। इस टर्म को इंक्रीज कर दिया उन्होंने 8, मीडियन के लिए 77 का यूज हुआ है यहाँ पे, ये बताओ? नो सर, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। ये चेंज फिफ्थ या सिक्स्थ टर्म चेंज होती फिर चेंज होना था मीडियन, अब तो कोई चेंज नहीं आई, नो सर। तो ये लिखा है देयर इज नो चेंज, नो देयर इज नो चेंज इन द मीडियन, ओके। थैंक यू सर। चाहे बच्चे फर्स्ट टर्म इंक्रीज कर देते, चाहे मतलब फर्स्ट से तो चेंज हो जाता। फोर्थ सम बच्चे,
आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन ए टेस्ट, 3 स्क्योर लेस देन 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मैंने 10 फिलिंग द ब्लैंक्स डाल दिए, ठीक है. 3 स्क्योर लेस देन 30 एंड 3 स्क्योर मोर देन 70. द मार्क्स स्क्योर्ड बाय रिमेनिंग 4 स्टूडेंट्स, देखो पहले 3 है जो वो लेस देन 30 है, जो लास्ट मार्क्स ऑफ बाय रिमेनिंग सॉरी लास्ट 3 स्क्योर लेस देन 30 एंड 3 स्क्योर मोर देन 75. जो लास्ट है ये मोर देन 75 है. जो रिमेनिंग टर्म्स हैं 4 वो हमें दी हुई हैं. वो क्या दी हैं? 35, 48, 66 एंड 40. इन चारों को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करके लिख दो बच्चे. यहाँ पे क्या आएगा, फोर्थ टर्म क्या आएगी 35, फिफ्थ टर्म 40, सिक्स्थ टर्म 48 एंड लास्ट टर्म 66. ये समझ आया बच्चे? यस सर. इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीडियन के लिए इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमें सिर्फ ये 2 टर्म चाहिए थी मिडल मोस्ट. मोर देन 75 है यहाँ पे, जैसे कुछ मर्जी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्स्ट लेस देन 30 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फाइंड द मीडियन स्कोर. मीडियन का फॉर्मूला वही बच्चे, 10/2. मैं सीधा फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म लिख दूं बच्चे. यस सर. टाइम ना वेस्ट करें हम. वंशी का पता चल गया बच्चे? जोया? यस सर. यस सर. इप्सिता? नमन? यस सर. यस सर. निहाल? हरमन? यस सर. यस. फिफ्थ टर्म 1, 2, 3, 4, 5. फिफ्थ टर्म इज 40, सिक्स्थ टर्म इज 48 डिवाइडेड बाय 2. हाँ जी बच्चे. सर एक बार ये फोर्थ वाला फिर से बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था. तो डिस्कनेक्ट ही होती रहा कर. सर नेट खत्म हो गया था. अब फिर नेट कहाँ से आया है? सर कनेक्ट कर लिया. अच्छा अब नेट आ गया अपने आप. थ्री टर्म्स बच्चे लेस देन 30 हैं, थ्री टर्म्स मोर देन 75 हैं. रिमेनिंग 4 टर्म्स हमें दी थी उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है. अब इसमें से मीडियन टोटल 10 टर्म्स थी, वही फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म आ जाएंगी बच्चे. फिफ्थ टर्म क्या है 40 है, सिक्स्थ टर्म 48 है, दोनों का सम अपॉन 2 मीडियन आ गया. लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टर्म्स है बच्चे. असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी गिवन है 10, 11, 13, 17, x+5, 20, 22, 24 and 53. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स ही लिख दो. दैट इज 9. दैट आर ऑड. वंशिका ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला बोलो बच्चे. सर प्लीज रिपीट. मीडियन के लिए ऑड नंबर ऑफ टर्म के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? सर n प्लस 1 ओवर 2. तेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है बच्चे. सर नेटवर्क स्लो है. नेटवर्क से नहीं आवाज का फर्क पड़ता. सर पड़ता. n मीडियन हमें गिवन है, मीडियन इज गिवन 18. मीडियन के प्लेस पे 18 लिख दिया. n की वैल्यू 9 है. 9 प्लस 1 अपॉन 2 टर्म 18, 9 प्लस 1 10 अपॉन 2 टर्म. यस सर. 18 9th टर्म 18 9th टर्म सॉरी क्या हो गया, 5th टर्म आएगी. 5th टर्म. 5th टर्म कौन सी बच्चे इसमें? 1 2 3 4 5 x प्लस 5 x प्लस 5 हां जी. 5 इस साइड जाके माइनस हो गया बच्चे 13. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 13. आंसर. कोई डाउट किसी को? एक्सक्यूज सर. नो सर. थर्ड वाला सम दिखा दीजिए. स्क्रीनशॉट लेना है.
यस सर वो समझ नहीं पाए थे ना जब डिस्कनेक्ट हो गया था. एक्सक्यूज मी, कोई बात नहीं, वीडियो डाल दूंगा बच्चे मैं समझ yes, लेना बाद में. ठीक है, हाँ जी बच्चे बोलो सर. इन द थर्ड सम जी सर, फोर्थ वाला भी दिखा दीजिए. मैं नहीं दिखाऊंगा राशि, मैं तेरे को बाहर निकाल दूंगा. हाँ जी इप्सिता सर, इन द फोर्थ टर्म सर, क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि अगर वहां पे 10 टर्म्स गिवन है, इसलिए हमने वहां पे सीधा लिख दिया दैट देयर विल बी नो चेंज इन द मीडियन. अगर वो वहां पे इसकी जगह 14 टर्म्स देते, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 14 सर, तो फिर उसके ऊपर कोई चेंज आता? हां जी बच्चे, मिडिल मोस्ट फिर 7th 8th टर्म होती ना. यस सर. सर तो ऐसे तो अपने एग्जाम में मतलब पूरा करके देखना पड़ेगा ना. नहीं, यहाँ पे कौन सा कोई डाटा दिया है? नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं और 7 टर्म बोला है उन्होंने, सिर्फ इंक्रीज की है और तो कुछ नहीं दिया ना. यस सर. और तो कुछ नहीं. मैंने ये चीज क्यों लिखी थी यहाँ पे, इसीलिए लिखी थी कि तुम्हें थोड़ा सा समझ आ जाए कि मीडियन का मतलब क्या होता है. मिडल मोस्ट टर्म, 10 टर्म्स है तो मिडल मोस्ट टर्म्स 5 and 6 होंगी. 7th 8th 9th 10th टर्म जितनी मर्जी इंक्रीज होती रही, वो 5th and 6th टर्म से आगे रहेंगी ना, पीछे तो आ नहीं सकती. या 5th and 6th टर्म के प्लेस पे आ जाएंगी बच्चे? नो सर, नहीं आ सकती ना, क्योंकि इंक्रीज कर रहे हैं. डिक्रीज करेंगे तो आ सकती थी 5th and 6th के प्लेस पे. इंक्रीज करने से तो कोई चेंज नहीं आएगी. 7 टर्म जितनी मर्जी इंक्रीज कर दें, चाहे वो 10th टर्म पे पहुंच जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे. 5th and 6th टर्म चाहिए थी हमें जब 10 टर्म्स है तो, समझे? 14 टर्म्स होती तो 7th and 8th टर्म फिर चेंज आ जाती बच्चे. ओके यस सर. ज्यादा हो गया. कल बच्चे स्कूल है तुम्हारा सबका कि छुट्टी है? सर सर नहीं, सर है नहीं. मॉर्निंग में कितने बजे स्कूल क्लास लगती है स्कूल की? सर 7:30 सर. हाँ जी बोलो सर. 10 बजे लगती है. 10 बजे लगती है. कल मैंने जाना नहीं, कल मैं इवनिंग में रख लूं टाइम. मॉर्निंग मतलब 3 बजे. हाँ जी सर. क्या 3 o'clock रख लूं टाइम? सर जो सुबह की क्लास होती थी उसको 3 o'clock? नहीं बच्चे, मॉर्निंग तो होगी होगी. चलो इवनिंग फिर 7 o'clock ही ठीक है. ओके ओके सर. एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, अभी हॉलीडेज खत्म होने वाले हैं 3 दिन बाद, फिर सुबह की क्लास कैसे होगी? कोई बात नहीं बच्चे, टाइम चेंज कर लेंगे. ओके सर ठीक है. एक्सक्यूज सर.